आज मैं लेके आई हूँ मटर पनीर की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो हर किसी का फेवरेट है, पर इसे हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन का। बिल्कुल अलग सा स्वाद आता है, आप एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें पनीर के पीसेस को डालेंगे। हमें पनीर को हल्का सा भून लेना है। तो पनीर को हम थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पनीर चिपके ना। तो इस तरह से हमने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। 300 ग्राम के लगभग पनीर का इस्तेमाल किया है मैंने। तो यहाँ एक मिक्सर जार में हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, लौंग और आधा इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीजों को मिक्सर जार में डालेंगे। बाद में हम गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, तो इसीलिए खड़े गरम मसाला इसी टाइम हम इन सब के साथ पीस लेंगे। अब हम डाल देंगे 10 से 12 भींगे हुए काजू के टुकड़े, जिसे मैंने कुछ देर सोक करके रख दिया था। तब इन सारी चीजों का हम एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला पीसकर तैयार है, स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अब जिस कढ़ाई में हमने पनीर को फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, और तेल गर्म हो जाने पे हम डालेंगे तेजपत्ता। और अब हम डाल देंगे हमारा टमाटर और काजू का पेस्ट। इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ढककर, ताकि छींटे बाहर ना उड़े। बीच बीच में आप चला लें ताकि मसाले नीचे से लगे ना। यहाँ मसालों के ऊपर हल्का सा ऑयल दिखने लगा है, तो अब हम सूखे मसाले डाल देंगे इस टाइम पे। तो हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अब इन सारे मसालों को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। यहाँ हम इसे ढक देते हैं ताकि छींटे ना उड़े। अच्छा कलर के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे 400 ग्राम के लगभग हरे मटर। आप चाहें तो मटर को उबाल के भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जो मटर इस्तेमाल किया वो छोटे वाले थे जो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे उबाला नहीं है, इसे ऐसे ही डाल दिया है। मसालों के साथ मटर को भी हम 3 से 4 मिनट तक ढक ढक कर पका लेंगे। तो प्याज और लहसुन नहीं डाला है, तो मसालों को बहुत देर तक भूनने की जरूरत नहीं है, बस 3 से 4 मिनट काफी है। तो यहाँ ऑयल सेपरेट हो चुका है और मटर भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर। अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा पनीर डाल दिया है। इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब आप डाल दें पानी जरूरत के हिसाब से, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम पानी डाल देते हैं।
अब हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। यहाँ ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है और कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल सही है। ठंडा होने पे ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो अब हम डाल देंगे ताजी हरी धनिया। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार है, बिना प्याज और लहसुन का मटर पनीर। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें रोटी, पराठा या पूरी के साथ। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।